हमारे पास दो टूल पाथ हैं, एक है स्पाइरल फिनिशिंग और एक है रिंग फिनिशिंग। स्पाइरल फिनिशिंग में क्या है कि सबसे पहले हमारे को मशीन ज्योमेट्री देनी है, कंट्रोल ए एंड सिलेक्शन। वॉल शॉक कितना देना है जी, उसके बाद टूल पाथ कंट्रोल करने के लिए बाउंड्री देनी है। अब बाउंड्री चाहे यहाँ दे लो चाहे यहाँ दे लो, एक ही बात है, चाहे नीचे बाउंड्री दे दो चाहे बाउंड्री दे दो ऊपर, एक ही बात है। इसके अंदर अंदर रहना है बाउंड्री के। टूल कौन सा टूल? मैंने कहा 6 mm का वॉल। ठीक है, स्टेप ओवर कितना? मैंने कहा जी 1 mm का स्टेप। आउटर रेडियस मैंने बंद कर, क्योंकि मैंने बाउंड्री लगा दी ना तो मेरे को आउटर रेडियस की जरूरत है। जितनी बाउंड्री लगाई है उसके अंदर अंदर टूल पाथ जो है ठीक है, क्योंकि टूल पाथ का नाम स्पाइरल है तो इसलिए जब ये चलेगा तो ऐसे स्पाइरल की तरह चलेगा। फिर थोड़ी स्लो कर लो। ठीक है, स्पाइरल की तरह बड़ा होता है। और जैसे ये सेंटर में ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो मैं चाह रहा हूँ कि इनर रेडियस दे दूँ। यहाँ से देखो, राइट क्लिक करो, यहाँ पे डायमीटर ऑफ आर्क और ये सर्कल रेडियस ऑफ आर्क, या रेडियस पूछ रहा है ना वो, रेडियस वार करके ओके। तो उतना उतनी जगह छोड़ दे। अगर आउटर आउटर रेडियस ऑन करके मैं यहाँ पे भर दूँ रेडियस ऑफ आर्क ये, तो जहां कहाँ से कहाँ तक चलाना है वो जगह पूछ रहा है। ठीक है, इनर रेडियस दे दिया, आउटर रेडियस। हम अगर चाहें तो इसका सेंटर पॉइंट भी चेंज कर सकते हैं। यानी मान लो अगर मैं 20 mm इधर कर दूं तो वो सारा का सारा इधर को शिफ्ट हो जाएगा। पर होना बाउंड्री के अंदर ही चाहिए। अगर मैं इसको कर दूं 45, तो इधर तो होगा पर बाउंड्री से बाहर नहीं जाएगा तुम्हें, और सेंटर पॉइंट यहाँ होगी। उसको किसी चीज से लेना देना नहीं है, उसको तो स्पाइरल शेप में चलना है बस। इसको अगर 0 0 कर देंगे तो सही रहेगा। वन वे चलना है, जिगजैग चलना है, अप में चलना है, डाउन में चलना है। वन वे ठीक है। अब अगर इस पर टॉप व्यू करके देखोगे ना, टॉप व्यू करेंगे यहाँ से व्यू में जाके वायर फ्रेम करेंगे ऐसे चलते। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ट्रांसफॉर्म में जाके इसको सेलेक्ट करके एक कॉपी बना दीजिए। तो हम इसमें चलाना चाहते हैं टूल पाथ रेडियल, रेडियल टूल पाथ।
मशीन ज्योमेट्री, अब कंट्रोल ही नहीं दबाना इतने पोर्शन में। स्टॉक मुझे नहीं सुन, ठीक है। टूल पाथ कंट्रोल देने की कोई जरूरत नहीं है, टूल दे दो। स्टेप ओवर भी तो ये यहाँ कहीं चल गया, तो मेरे को सेंटर पॉइंट भी देना है जो हम बात कर रहे थे, सेंटर पॉइंट भी। सेंटर पॉइंट ये दो ताकि वैल्यू चेंज। तो टूल पाथ जो चल रहा है वो सेंटर पॉइंट के अलोंग चल रहा है। ये अजीब सा टूल पाथ क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर में वन वे हो रहा है, यहाँ जिगजैग कर रहा है, और आउटर रेडियस भी वैल्यू बढ़ गई। ओके अगर हम इसको टॉप व्यू करके ध्यान से देखें तो ये टूल पाथ कैसे चल रहा है। टूल रेडियल चल रहा है, ठीक अभी हमने वैल्यू भरी थी। अगर हम इनसाइड रेडियस दे दें और आउटसाइड रेडियस दे दें तो उतने के बीच में ही चलेंगे। अगर हम इसमें एंगल भी दे दें 0 से 120, तो 0 से 120 डिग्री तक ही चलेगा। समझ रहे बात। अब क्योंकि यहाँ पे शार्प एज है तो इसलिए बहुत बढ़िया नहीं है, पर जहां पे राउंड एजेस है वहां पे ये बढ़िया चलता है। अगर 360 डिग्री कर देंगे तो पूरा चलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे स्पाइरल चला लो चाहे रेडियल चला लो, ठीक है, दोनों बढ़िया ही चलता है। कई बार क्या होता है कि ये जो टूल पाथ है ना दोनों का कॉम्बिनेशन चलाना पड़ता है। कॉम्बिनेशन क्या मतलब, मान लो ये मेरा पार्ट है, ठीक है, सबसे पहले जेड ठीक कर लेना, जेड ठीक हो गए। स्पायरल कर देंगे, मशीन ज्योमेट्री में सारा सिलेक्ट कर लो, स्टॉक को 0 कर दो, टूल को 4 कर, आउटर रेडियस 50 कर देंगे, तो ये 0 से 50 तक चलेगा स्पायरल।
जाओगे। ठीक, तो ये 0 से 50 रेडियस तक स्पाइरल चलेगी। तो अगर मैं इसको 50 से ज्यादा कर दूं, तो अगर मैं यहाँ पे सॉलिड में जाके इन्सुलेट लगा दूं, तो थोड़ा रेडियस होगा तो अच्छा लगेगा। और टूल पाथ में जाके मैं रेडियल सेलेक्ट कर, टूल पाथ कंट्रोल जरूरत नहीं है, कट पैरामीटर में आउटर रेडियस बंद कर दो, इनर रेडियस कर दो 50। इसको 60 करके फिर बंद कर, चाहे ये बंद है पर वो उससे कम नहीं हो सकता। ठीक है, 1 वे की जगह जिगजैग कर लो और ओके। अगर हम इसमें आउटर रेडियस दे दें या बाउंड्री दे दें, ठीक है, समझ आई बात। तो अगर मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन चलाऊं तो ज्यादा बढ़िया है। मॉडल ज्योमेट्री, टूल पाथ कंट्रोल नहीं चाहिए, टूल चाहिए, कट पैरामीटर, तो अगर हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन चलाएंगे, इसका और इसका दोनों का कॉम्बिनेशन चलाएंगे, तो ये बढ़िया तरीके से स्पाइरल और रेडियल, समझ रहे बात। तो आउटर रेडियस दे दो चाहे बाउंड्री दे दो, एक ही बात। इनर रेडियस दे दो, तो जितना रेडियस देंगे उतने में कट जाएगा। ठीक, समझ गए बात। जितने भी गोल चीजें हैं सब में काम आएगा, कई बिना गोल वाली में भी काम आएगा, तो जरूरी नहीं है गोल ही हो, पर ये जरूरी है कि हमें ये पता हो कि हमारे को स्पाइरल चलाना है या रेडियल चलाना या दोनों चलाना। ठीक, दोनों टूल पाथों को करके देखो, जैसे जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे वैसे अपने कंप्यूटर पे करेंगे, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, कभी भी टूल चेंज करना है, कोई पैरामीटर चेंज करना है, कुछ भी कर सकते। ठीक, समझ, ये हो गया स्पायरल फ्रिज। सर रेक्टेंगल पे चलाएंगे तो कॉर्नर पे छोड़ देगा ना। नहीं, क्यों छोड़ेगा, अब इससे पहले जो बनाया वो हमने वो रेक्टेंगल ही था। वो टूल पाथ तो उस राउंड पे ही चला है ना सर इसके। ये तो बाउंड्री हटा दो ना अब, है ना। एक बच्चा कहता है जी मैं तो सब्जी खाऊंगा नहीं, और फिर आधे घंटे बाद कह रहा है मेरे को तो कोई सब्जी पूछ नहीं रहा, तो
अलग अलग बातें है ना। फिर बाउंड्री मत दो, आउटर रेडियस मत दो, फिर सारे भी चलेगा, मना कर ही नहीं रहा। फिर तुम चलाओगे तो पूरे भी चलेंगे। अच्छा अगर बाउंड्री दे दी तो भी नहीं चलेगा, आउटर रेडिया दे दी तो भी नहीं चलेगा। जैसे जैसे हमने किया है यहाँ पे वैसे वैसे करेंगे, बहुत आसानी से सामने आ जाएगा। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ शेयर करेंगे। ठीक, ओके करेंगे। जितनी वैल्यू बढ़ देगी उतने एरिया में बढ़ जाएगा। रेडियस चलाना है रेडियस चला लो, स्पाइरल चलाना है स्पाइरल चला। समझ गया बात?